तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई मेरे, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर आप इसको जान लेते हैं तो एंगुलर जब आप सीखेंगे तो बहुत आपको वहाँ पर मदद मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर रिलेटेबल लगेगा कोड की, हाँ यार ये तो मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस किस तरह के डेटा टाइप्स है टाइपस्क्रिप्ट में। और फ्रेंड्स इस वीडियो का नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। आप फिर चाहे आप लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में या फिर अपने फोन पे, जब भी आपको अच्छा लगा आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये कोड के स्ट्रक्चर जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखा दिया था बना के, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर को मैं रखने वाला हूँ। कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था वही है। और एक एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगे टाइपस्क्रिप्ट के जो लेटेस्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं ज़्यादा डाउनलोड्स है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे दिख जाएगा, जिसमें ज़्यादा डाउनलोड है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो कि ये है इस सपोर्ट एक्सटेंशन यहाँ पर, ये जो है इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, और ये बहुत सारा है कंपाइल करने के लिए, बहुत सारे आपको जो सही लगा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला, इसको एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर ले, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आप सी सी प्लस प्लस जावा ये सब जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं आपको जानना होगा, अगर आप जानते हैं, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शनल है, अगर आप जानते हैं तो आपको कोड थोड़ा यहाँ पर और रिलेटेबल लगने वाले। तो डेटा टाइप सिंपली क्या होता है, जैसे कि डेटा का टाइप क्या है, ठीक है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि भाई डेटा का टाइप क्या है, तो बूलियन होता है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, उसके बाद आपको और मिल जाएंगे नल, अनडिफाइन, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स है टाइपस्क्रिप्ट में। तो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब डेटा टाइप को यूज करने का फायदा क्या है, तो भाई इसमें बग होने के, कोड में बग होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हैं ना, तो उसको डेटा टाइप से नहीं सेट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ लेट नेम, या मैं लिखता हूँ फुल नेम इक्वल्स टू, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ सुब्रतो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुब्रतो, तो मैं इसको रीअसाइन भी कर सकता हूँ रीड यहाँ पर वैल्यू को, मैं फुल नेम इक्वल्स टू मैं 100 भी कर सकता हूँ, फिर फुल नेम इक्वल्स टू मैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग को डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है ताकि भाई हमारे कोड में बग ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बूलियन के बारे में, ठीक है। तो एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ, कैसे देखो यूज करना है मैं आपको दिखाता हूँ लेट। तो जो एक वेरिएबल लेते हैं, मान के चलते हैं इज डायलॉग ओपन, ठीक है, और हम लोग उसको डेटा टाइप सेट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर कॉलन देना है, ठीक है, कॉलन देके फिर वो डेटा टाइप लिखना है। तो मैं लिखता हूँ बूलियन, ये देखो आ गया। और इक्वल्स अगर मैं मान के चलो गलती से भी लिख देता हूँ स्ट्रिंग या कुछ भी यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अपना नेम सुब्रतो डाल देता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, एडिटर पे भी आ जाएगा, ठीक है, जब इसको कंपाइल करोगे तब भी आएगा। तो ये पहले आपको बता देगा, यहाँ पर माउस लेके जाओगे तो आएगा टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन, मतलब कि भाई बुलियन में जो टाइप इसका सेट किया गया इस वेरिएबल में, उस पर आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा को नहीं असाइन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर देना होगा बुलियन वैल्यू। तो बुलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है, मैं क्या लिख दिया, ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है। अब सेव करोगे तो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। तो इसको चलिए कंपाइल करके देख लेते हैं, यहाँ पर न्यू में करते हैं, मैं लिखता हूँ TSC और इसका फाइल का नेम इंडेक्स डॉट TS, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट। और मैं इसको वॉच मोड पे भी रख देता हूँ, रुक जाओ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डैश डैश वॉच और टारगेट इज 20, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं फाइल को, ये कंपाइल होगा। तो भाई ये जो है हमारा यहाँ पर कंपाइल हो गया, और ये देखो, ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट फाइल रहा। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो कुछ और भी लिख देता हूँ ना, स्ट्रिंग लिख देता हूँ, तो यहाँ पर तो आएगा ही भाई, यहाँ पर पहले आपको एडिटर में मिल जाएगा कि भाई आपका ये जो है एरर है, और आपको यहाँ पर भी कंपाइल होने वक्त ये बता देगा कि क्या एरर है, ठीक है, और ये बता देगा कितना सारा एरर है, फाउंड वन एरर, मतलब एक ही मिला, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू बुलियन, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो भाई इस तरह से, तो ये था बुलियन, काफी सिंपल सा था। तो जहां आपको ऐसा लगे कि वेरिएबल में आपको ट्रू या फॉल्स स्टोर करना है, तो उसका डेटा टाइप आपको सेट करना होगा बुलियन। अब आते हैं भाई नंबर डेटा टाइप पे, ठीक है। तो नंबर डेटा टाइप सिंपली क्या है कि यहाँ पर आप लिखते हो लेट, अगर आपको नंबर स्टोर करना है, कहने का मतलब समझो, जैसे मार्क्स है या फोन नंबर या कुछ भी नंबर से रिलेटेड अगर स्टोर करना है, तो जैसे मैं लिखता हूँ लेट मार्क्स, ठीक है, मार्क्स, और उसका डेटा टाइप सेट करता हूँ यहाँ पर नंबर, ठीक है, नंबर इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं नंबर नहीं देता हूँ कुछ स्ट्रिंग वगैरह दे देता हूँ, जैसे एक सौ एजेट कुछ भी देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा वार्निंग स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर, मतलब स्ट्रिंग आप नहीं असाइन कर सकते हो नंबर में, कोई नंबर ही देना हो तो मैं 100 देता हूँ, ठीक है। और आप जाके चेक भी कर सकते हो यहाँ पर, ये तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल बार बार जाके चेक भी कर सकते हो। और भाई अगर आपने नंबर डेटा टाइप स्टोर मतलब रखा है सेट करके, तो इसमें आप बाइनरी वैल्यू भी रख स्टोर कर सकते हो, हेक्साडेसिमल भी कर सकते हो। बात करते हैं भाई आप स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप मतलब जो टेक्सचुअल डेटा टाइप है, टेक्स्ट डेटा टाइप है ना, जो आप वेब पेज में देखते हो टेक्स्ट बहुत सारा रहता है, तो आप डायनेमिक लेकर चेंज करना चाहते हो, तो आप किसी वेरिएबल में चाहते हो भाई टेक्स्ट को स्टोर करना, जो भी समझ लो ऐसा कुछ। तो सिंपली मैं लिखता हूँ लेट और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुल नेम, ठीक है, मैं टाइप सेट करता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, और इक्वल्स मैं लिखता हूँ सुब्रतो विश्वास,
ठीक है, ये हो गया भाई इस तरह से। हाँ, और यहाँ पर अब अगर दूसरा डेटा टाइप देखो तो पता ही क्या भाई एरर आएगा, ठीक है, कि भाई आप नंबर को नहीं स्टोर कर सकते स्ट्रिंग में, मतलब कुछ भी डेटा टाइप रॉन्ग डेटा टाइप देखो तो भाई वो डेटा टाइप आएगा और प्लस लिखा होगा इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग टाइप में ये असाइन नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग देना होगा, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया, आप यहाँ पर पता ये भी कर सकते हो, मतलब वो टेम्पलेट लेटर वाला जो सीन होता है ना जावास्क्रिप्ट में, जो नया फीचर वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर देना है आपको बैकटिक्स देना है इस तरह से, और यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं एक वेरिएबल और एक ऊपर में क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मान के चलो लेट 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 माय नेम यहाँ पर देता हूँ सुब्रतो विश्वास, ठीक है। मैं ऐसे रैंडमली यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय नेम इज, और मैं यहाँ पर डॉलर सिंबल कर्ली ब्रैकेट से देखे फिर लिखता हूँ माय नेम, ठीक है। और इसको चाहो तो कॉन्सोल पे भी दिखा सकते हो, कॉन्सोल डॉट लॉग, थोड़ा सा आपको इंटरेक्टिव लगेगा, नहीं तो लगेगा यार सिर्फ कोडिंग ही मतलब इसमें हो रहा है, तो फुल नेम, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो आप यहाँ पर टेम्पलेट एडिटर्स भी यूज़ कर रहे हो, और ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यहाँ पर तो भाई लिंक किया हुआ है इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, जो कंपाइल होने के बाद इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाके अगर इस पर आप लाइव ओपन करो, अच्छा मेरा ऑटो पहले से ही ओपन है, बट फिर से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा यहाँ पर ओपन हो गया, और मैं अगर कॉन्सोल ओपन करके दिखाऊँ तो आपको दिख जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो भाई इस तरह से स्ट्रिंग में दोनों टाइप का यूज़ कर सकते हो, डबल कोट्स वाला भी और बैकटिक जो यूज़ कर सकते हो, टेम्पलेट लिटरल्स जिसके नाम से जाना जाता है, ठीक है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट स्टोर करना है किसी वगैरह में, तो आप ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली लिखता हूँ लेट यूज़र, ठीक है, और टाइप देता हूँ इसका ऑब्जेक्ट, ये दे दिया, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ही स्टोर करा सकते हैं। आपको पता है अगर हम लोग कुछ दूसरा देखें तो यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट देना, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस का, तो मैं लिखता हूँ नेम सुब्रतो विश्वास, ठीक है, और मैं देता हूँ यहाँ पर स्टेट झारखंड, ठीक है। तो ये हो गया भाई, आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को स्टोर करा सकते हो, और कॉन्सोल तो करा ही सकते हो, अगर आपको देखना भी है तो आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार कुछ दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोड में हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया ना हमारा, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो बात करते हैं भाई अब एरे को कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो एरे को दो तरीके से कर सकते हैं, पहला मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नेम्स, ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं और एरे के लिए इस तरह से कॉलम देंगे। अब एरे को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। और इसमें किस एरे में आप किस तरह का रखना चाहते हो, एक एरे है भाई जिसमें हर तरह का नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, सारा कुछ है, ठीक है, अल्ला फल्ला ठिकाना सारा कुछ है। तो आप यहाँ पर एक डेटा टाइप इसका मैं आगे बताऊंगा, एनी एनी, ठीक है, एनी एनी का मतलब कुछ भी होता है ना भाई, एनी का जो हिंदी मीनिंग होता है कुछ भी, ठीक है। तो एनी, तो एनी आप दे दिए और आपको उसका स्क्वायर ब्रैकेट देना, मतलब किस एरे में भाई कुछ कोई भी तरह का डेटा यहाँ पर स्टोर हो सकता है। तो इक्वल्स टू दिया और आप एरे बनाते हो, जैसे मैं लिखता हूँ सुब्रतो, फिर मैं चाहता हूँ नंबर भी दे सकता हूँ 1111, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ ट्रू कुछ भी, ठीक है, पहले स्ट्रिंग हो गया, फिर नंबर हो गया, फिर बूलियन हो गया। तो क्योंकि हमने इस एरे का हमने डेटा जो सेट किया है, डेटा यहाँ पर एनी है, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो आप इस तरह से दे सकते हो। अगर आप यहाँ पर चाहते हो नहीं सिर्फ स्ट्रिंग ही मेरे एरे में स्टोर हुआ, तो सिंपली आपको एरे का तो ये रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, प्लस उससे पहले आपको डेटा लिखना है। तो मैं देता हूँ स्ट्रिंग, तो देखो स्ट्रिंग, सिर्फ इसे स्ट्रिंग ही स्टोर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग में बाकी नंबर है, तो यहाँ पर देखो एरर आ गया कि भाई नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग, और नंबर इज नॉट बोलिन इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। तो आपको यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग ही देना होगा। तो मैं देखता हूँ जैसे रोहन, ठीक है, शुभन, कुछ भी करो, आपको सिंपली मतलब है कि भाई इसको स्ट्रिंग से मतलब है, ठीक है। तो अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो सिंपली आप और एक इस तरह से एरे क्रिएट कर सकते हो, जैसे लेट मार्क्स, ठीक है, नंबर, और एरे को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना, फिर एरे यहाँ पर क्रिएट करते हैं इक्वल्स टू देने के बाद, और नंबर देना 100, ठीक है। अरे यार क्या दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। अच्छा यार मार्क्स हमने यहाँ पर पहले ये करके रखा ना, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ XYZ, ठीक है। बस आपको समझा रहा हूँ कि भाई इस तरह से एरे क्रिएट कर सकते हो। और एक तरीका है भाई एरे को यहाँ पर क्रिएट करने का, वो जेनरिक तरीका है, जेनरिक एक फीचर है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो उसमें आपको कैसे करना है, ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट फ्रूट्स, ठीक है, कुछ फ्रूट्स के मैं यहाँ पर नेम्स यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉलन देना, क्योंकि आपको टाइप तो यहाँ पर बताना है ना कौन सा टाइप का है। तो भाई एरे यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह से एरे, और जेनरिक टाइप में क्या करते हैं हम लोग एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, आपको इसके अंदर लिखना है उसका टाइप, ठीक है। तो क्योंकि भाई फ्रूट्स का नेम स्ट्रिंग में होने वाला है जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते हैं और इक्वल्स टू आपको देना है यहाँ पर, जैसे मैं देता हूँ मैंगो, ठीक है, एप्पल, ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये भाई जेनरिक तरीका, ये आपको कन्फ्यूजन अगर लग रहा है तो आप इसको छोड़ दो, मत ये करो, मैं जब जेनरिक्स के बारे में बात करूंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो कहने का मतलब कि भाई इस तरह से भी आप एरे को क्रिएट कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ये वाला इजी है, इजी नहीं मतलब ये थोड़ा रिलेटेबल देखने समझ में आता है, ये थोड़ा आपको नया लगता होगा, अगर समझ में आ रहा तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर जेनरिक्स में बताऊंगा तब तो समझ ही जाओगे, तो उस तरह से भी आप यूज कर मतलब सकोगे, ठीक है।
तो भाई अब बात करते हैं टपल के बारे में, ठीक है। टपल देखो क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है भाई, एयर है, लेकिन मुझे इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज नहीं दिखा कि यार इसको रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ तो नहीं होगा इसका यूज होगा, मुझे नहीं दिखा। आप ट्राई करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट जब करोगे तो आपको हो सकता है उसका यूज दिख जाए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो टपल का मतलब सिंपली क्या है कि भाई थोड़ा ना उसको और स्ट्रिक्ट कर दे, तो कैसे वो समझो। तो मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ लेट यूजर वन, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं कि एक एरे स्टोर हो, और एरे में भी हम लोग चाहते हैं कि भाई उस पैटर्न पे हो जिस पैटर्न में हम लोग क्रिएट करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, और हम लोग चाहते हैं भाई एरे में फर्स्ट में जो फर्स्ट आइटम स्ट्रिंग होगा, सेकंड आइटम नंबर होगा। अदला बदली नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में नंबर कर दो सेकंड में स्ट्रिंग। हम चाहते हैं कि भाई फर्स्ट में स्ट्रिंग हो, सेकंड में नंबर हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरे कॉलन का एरे जैसा रिप्रेजेंट करेगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से। तो हमारा फर्स्ट आइटम क्या होगा, होना चाहिए स्ट्रिंग। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। सेकंड आइटम का क्या किस टाइप का होगा, वो नंबर, ठीक है। इक्वल्स टू लिखते हैं, अब यहाँ पर एरे देते हैं, मैं लिखता हूँ सुब्रोतो, और मैं यहाँ पर देता हूँ 100, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर देखो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, फर्स्ट में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, सेकंड में नंबर है, नंबर है। अगर मैं यहाँ पर नंबर डाल दूँ, पहले नंबर डाल दूँ और सेकंड में स्ट्रिंग डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि दोनों में कि नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग, क्योंकि फर्स्ट में हमने स्ट्रिंग सेट किया था ना, तो इसलिए बोल रहा है कि नंबर आप स्ट्रिंग में, जहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ सेट किया हुआ, मतलब स्ट्रिंग इसका सेट किया हुआ डेटा है, वहाँ पर नंबर नहीं रख सकते, और जहाँ भाई नंबर है वहाँ स्ट्रिंग नहीं रख सकते। तो टपल से थोड़ा आप उसको और ना टाइट कर देते, स्ट्रिक्ट कर देते कि भाई मुझे इसी पैटर्न में चाहिए, इसी फ्लो में चाहिए डेटा, ठीक है। तो भाई ये था टपल। हाँ तो भाई मेरा बात करते हैं वॉइड डेटा टाइप के बारे में। देखो वॉइड डेटा टाइप का भाई कोई यूज नहीं है वेरिएबल में, ठीक है, रियल वर्ल्ड यूज नहीं है। मैं दिखा दूंगा कोई उसका मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ लेट, उसका रियल वर्ल्ड यूज कहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। अगर मैं लिखता हूँ लेट एक्स टाइप वॉइड, वॉइड मतलब क्या, तो पता हिंदी में अगर मीनिंग देखो शून्य, एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टीनेस बोलते हैं, एम्प्टीनेस या एम्प्टी, शून्य, ठीक है। जो अगर प्योर हिंदी में बोलो जो कि नथिंगनेस इस तरह से बोल सकते हो, इंग्लिश का वो अलग अलग वर्ड हो गया, ठीक है, और हिंदी में वही शून्य बोल सकते हो, मतलब कि एक जिस खाली कुछ नहीं है, ठीक है। तो वर्ड का वो मतलब हो गया। तो अब यहाँ पर वन या कुछ भी आप अलग नहीं लिख सकते ना, क्योंकि भाई ये एम्प्टी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ और दे सकते हो, जैसे नल है, ये दे सकते हो, लेकिन इसका कोई रियल वर्ड यूज नहीं है, कोई मतलब थोड़ी बनता है भाई, ठीक है। और नल इसलिए दे सकते हैं क्योंकि नल और अनडिफाइंड जो है सब डेटा टाइप है, बाकी डेटा टाइप का मतलब, सब डेटा टाइप का क्या मतलब है कि भाई वो डेटा टाइप ना किसी चीज में भी आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो जैसे मैं बता रहा यार वर्ड का कोई रियल वर्ल्ड यूज नहीं है वेरिएबल में, कोई रियल वर्ल्ड यूज नहीं है, ठीक है। मुझे तो दिखाने भाई वर्ड का यूज होता है फंक्शन में। आपने अगर सी सी प्लस प्लस जावा का ट्राई किया होता, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको ये सीखने के लिए, टाइपस्क्रिप्ट सीखने के लिए सी सी प्लस प्लस जावा सीखना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं इसलिए ये ऑप्शनल है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप जानते हो तो आप इजीली थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सीखना शुरू कर देना भाई इसके चलते, टाइपस्क्रिप्ट चलते, पता चले कि आप सी सी प्लस प्लस जावा सीख रहे हो। तो होता क्या भाई, क्या होता है उसमें कि भाई फंक्शन जब हम लोग क्रिएट करते हैं ना, तो भाई हमें उसका डेटा टाइप सेट करना पड़ता है, मतलब वो रिटर्न टाइप सेट करना पड़ता है कि क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता ना, उसको हम लोग टाइप सेट करते हैं वॉइड। तो ये फंक्शन में बहुत रियल वर्ल्ड में यूज होता है, ठीक है। तो मैं जैसे मैं एक फंक्शन क्रिएट करके बता दे रहा हूँ, फंक्शन क्या, मैंने गलत लिखा, फंक्शन से हेलो, ठीक है, अरे यार हटना, से हेलो, और इस तरह से। तो इसका रिटर्न टाइप हम लोग इस तरह सेट करेंगे। फंक्शन के बारे में अलग अगले वीडियो बताऊंगा कि फंक्शन का क्या क्या और भी क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं, बट अभी के लिए देखो कैसे सेट करते हैं वर्ड। तो इसका रिटर्न टाइप हम लोग फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस देते हैं, उसको हमें देना होता है कॉलन उसका रिटर्न टाइप सेट करने के लिए। तो हम लोग देते हैं वर्ड, मतलब कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, कैसे हो भाई, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं और इसको कॉल कर देते हैं थोड़ा सा, फिर ब्राउजर पर देख लेंगे कि हाँ भाई कॉल भी हो रहा नहीं, थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट भी दिख जाएगा ना भाई, ठीक है। तो ये आ गया कैसे भाई कौनसोल लॉग, क्योंकि उसको कॉल किया ना, तो भाई ये कौनसोल लॉग हो गया। तो इसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड सेट कर दिया, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न टाइप वॉइड का मतलब शून्य होता है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, समझ गया बात। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न, कुछ भी रिटर्न स्ट्रिंग देता हूँ या नंबर देता हूँ, कुछ भी देता हूँ ना, तो ये देखो एरर यहाँ पर देगा कि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप वॉइड, ठीक है, क्योंकि वॉइड ये, ठीक है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो वर्ड का भाई मेन रियल वर्ल्ड यूज, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, रियल वर्ल्ड यूज जो है फंक्शन में ही है, ठीक है, वेरिएबल में कोई इसका रियल वर्ल्ड यूज है नहीं। अच्छा भाई, हाँ मैं आपको बता रहा था कि भाई एनी डेटा टाइप, ठीक है, एनी का मतलब ही होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है भाई कुछ भी, ठीक है, बोलना भाई कुछ भी बोल रहा है भाई, ठीक है। तो भाई कुछ भी, तो जैसे मैं लिखता हूँ लेट एक्स वाई जेड, जिसका मैं डेटा सेट करता हूँ एनी, तो भाई इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, आप नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें चाहो तो भाई एक्स वाई जेड, अरे यार मैंने पहले से कर रखा है, चलो कुछ लिख देते हैं, ABCD लिख देते हैं, ठीक है, ABC लिख देते हैं, ठीक है। तो एनी है, तो इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, नंबर कर लो, चाहे आप स्ट्रिंग कर लो, चाहे आप यहाँ पर ट्रू फॉल्स कर लो, ठीक है, कुछ भी स्टोर करना है, ऑब्जेक्ट कर लो, कुछ भी करना है, तो वहाँ पर आप एनी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर ना थोड़ा लूज हो जा रहा है मतलब चीज भाई। यानी फिर यानी अगर हम लोग देते हैं तो उसमें किसी भी तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो फिर क्या मतलब हो गया फिर डेटा टाइप मतलब सेफ्टी का यहाँ पर, तो भाई फिर कुछ भी हम लोग करेंगे फिर तो जावास्क्रिप्ट वाला सीन हो गया। तो होता क्या ना, मैं इसका रियल वर्ल्ड बताता हूँ यूज कहाँ पर होता है। ऐसे आप यहाँ पर ऐसे तो करोगे नहीं, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट यूज करो तो भाई डेटा, इसमें हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। अब डेटा टाइप यूज करोगे जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग नंबर एरे ऐसे करोगे। एनी कब यूज आता है भाई, जब ऐसा हो जाए ना कि मतलब कि यूज ना करने से काम ना बने, ठीक है। ये कोई कहावत तो नहीं बट फिर भी समझ लो कि भाई यूज ना करने से काम ना बनेगा, मतलब ऐसा सीन हो गया, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जब आप थर्ड पार्टी कुछ यूज करोगे ना, मैंने एकदम मैं रियल वर्ल्ड बताता हूँ एकदम पूरा रियल वर्ल्ड एग्जांपल। मैं पेमेंट मेथड एक प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा था वो रेजर पे, ठीक है। तो उसमें क्या है भाई, क्योंकि वो पता है वो जो है मान लो कुछ ऐसा मान के चलो कोई थर्ड पार्टी है जो कि जावास्क्रिप्ट पे रिटन है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी टाइपस्क्रिप्ट लाइब्रेरी नहीं है, जावास्क्रिप्ट का है, उसको भी इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उसका उसमें तो रिटन टाइप होता नहीं ना, मतलब उसमें कोई टाइप उसका थोड़ी सेट होता है, तो आपको उसमें एनी सेट करना पड़ता है क्योंकि आपको थोड़ी पता जब मतलब कुल मिलाकर बात है कि आपको नहीं पता कि थर्ड पार्टी सोर्स से कुछ डेटा आ रहा है जिसका टाइप आपको नहीं पता, ठीक है, या फिर वो फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला आपको नहीं पता, उसका डेटा नहीं पता, तो सिंपली तब आपको एनी यूज करना चाहिए। फिर भी ये टाइप सेफ्टी में लफड़ा करता है, मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना, लेकिन आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। आप कभी करोगे देख लेना तो आपको एनी करना पड़ेगा सेट उस समय, ठीक है, डेटा टाइप। तो कुल मिलाकर बात है कि जब थर्ड पार्टी से कोई आ रहा है पैकेज वैकेज जिसका कि आपको टाइप नहीं पता, तो आप सिंपली उसका एनी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई और भी डेटाबेस है नल और अनडिफाइंड, लेकिन उसको वेरिएबल में यूज करने कोई मतलब नहीं बनता, मतलब कोई यूजफुल नहीं, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप लिख तो लेट क्या लिख दें यार, बी लिख देते हैं, इसका टाइप मैं अनडिफाइंड सेट कर रहा हूँ ना, तो भाई ऐसा नहीं कि मैं इसमें कुछ भी लिख सकता, कोई यूजफुल नहीं है, आपको यहाँ पर अनडिफाइंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड का टाइप अनडिफाइंड होता है और उसका कोई दूसरा टाइप नहीं, जैसे नंबर मैं बोलता हूँ टाइप, तो भाई नंबर में क्या होता है भाई, वन से लेकर इनफाइनाइट तक आप नंबर उसमें स्टोर कर सकते हैं ना, लेकिन अनडिफाइंड का जो है डेटा टाइप का भाई वो टाइप ही अनडिफाइंड होता है, तो आप इसमें अनडिफाइन ही कर सकते हो और कुछ दूसरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये है, और नल का भी भाई इसी तरह सेम है, तो लेट सी इक्वल्स टाइप जो है मैं नल सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, नल, और इसका मैं लिखना पड़ेगा नल, ठीक है। ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे हाँ भाई ये जो है ऐसा ऐसा है। और जो मैं आपको बता रहा था ना सब डेटा टाइप के बारे में, तो नल और अनडिफाइन क्या है, ये दोनों डेटा टाइप सब डेटा टाइप है बाकी अदर डेटा टाइप का। मतलब सब डेटा टाइप का क्या मतलब होता है कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ नल और अनडिफाइन सब डेटा टाइप है, तो इसका मतलब कि बाकी जो डेटा टाइप है ना उसमें आप नल और अनडिफाइन सेट कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई नंबर डेटा टाइप मैंने सेट कर दिया, तो उसमें क्या कर सकते हैं, नंबर ही स्टोर कर सकते, स्ट्रिंग तो नहीं कर सकते ना, तो नल और अनडिफाइन सब डेटा टाइप है। तो मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट डी जिसका टाइप मैं दे रहा हूँ नंबर, तो इसमें मैं नंबर ही लिख सकता हूँ, समझ रहे हो बात, इसमें तो स्ट्रिंग मैं लिख नहीं सकता। अगर मैं स्ट्रिंग लिखूंगा तो भाई ये एरर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर एरर आ जाएगा, है ना, अरे आना यार आ गया, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ नल और अनडिफाइन क्या है, मैं सब डेटा टाइप है, मतलब मैं यहाँ पर अनडिफाइन इसका सेट कर सकता हूँ, ठीक है, तो एरर नहीं है, सब डेटा टाइप है, ठीक है, मतलब कि उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। नल भी मैं सेट कर सकता हूँ, बाद में उसको फिर से रीअसाइन करूंगा अगर मुझे कहीं कहीं लगा कि हाँ उसको रीअसाइन करना। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दिखा दिया कि भाई इस तरह से, तो नल और अनडिफाइन जो है सब डेटा टाइप है बाकी अदर डेटा टाइप का, मतलब कि बाकी अदर डेटा टाइप में आप नल और अनडिफाइन को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मेरे, मैं आपको एक लास्ट डेटा टाइप के बारे में बता दे रहा हूँ, अननोन। अननोन का मतलब ही बता भाई हिंदी में उसका मतलब क्या होगा भाई, जिसको जानते नहीं उसी तो बोलते हैं ना भाई, अनजाना आदमी, ठीक है, अनजाना, ठीक है, जिसको हम जानते नहीं भाई, अननोन पर्सन है वो भाई, ठीक है। सो अननोन डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग। तो अननोन का क्या सीन है कि अगर आप नहीं जान रहे हो कि भाई उसमें किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है, अभी तो कोई कंफ्यूजन है भाई। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले एनी एनी बताया था ना, कि एनी में भी हम लोग जब हम हमें नहीं पता भाई किस तरह का थर्ड पार्टी से डेटा आएगा और स्टोर होने वाला एनी यूज करते हैं, अभी अननोन को भी वही लग रहा है ना, अननोन भी तो उसी तरीके से। तो दोनों के बीच में अंतर भी आपको बताऊँ क्या अंतर है, तो भाई आप कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों तो सेम ही बता रहा है, फिर अंतर क्या, तो मैं दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगा, लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा, अभी अननोन के बारे में बात करते हो। अननोन सिंपली है कि आप अगर सेट आप अगर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो और आपको नहीं पता भाई उसमें किस तरह का डेटा आने वाला है, या फिर कोई एपीआई से डेटा बेटा आ रहा है तो आपको नहीं पता कि किस तरह का, मान लो कि फ्यूचर में उसका आप श्योर नहीं हो कि भाई आप सोच के चल रहे हो कि भाई इसमें फ्यूचर में भी मे बी इसका डेटा टाइप चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ और डेटा टाइप चेंज हो जाए तब हम लोग उसको असाइन करेंगे, बट या फिर आप ऐसा मान के चल रहे हो कि भाई हम लोग इसमें ना हर तरह के डेटा को, जो भी डेटा आएगा हर तरह के डेटा को इसमें हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई भेदभाव वाला सिस्टम नहीं है, जो भी तरह का डेटा आएगा डेटा टाइप का आएगा स्ट्रिंग अच्छा नंबर है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप उस वहां पर अननोन यूज कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मैं लिखता हूँ जैसे लेट जेड इक्वल जिसका टाइप मैं सेट करता हूँ अननोन, ठीक है, अननोन, और मैं यहाँ पर जैसे जेड का मैं वैल्यू देता हूँ अगर 4 देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं देता हूँ 111, ठीक है, ऐसा देता हूँ। तो फिर मैं अगर चाहता हूँ मतलब इसको देखिए यूजर भी समझ आएगा भाई अननोन लिखा तो इसमें कुछ भी स्टोर किया जा सकता है, फिर से मैं इसको रिडिक्लेयर भी कर सकता हूँ, जेड इक्वल्स टू मैं देता हूँ जैसे ट्रू, ठीक है, फिर से मैं इसको रिडिक्लेयर कर सकता हूँ जेड इक्वल्स टू स्ट्रिंग के नेम से, ठीक है, सुब्रतो, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन बाकी अगर डेटा टाइप है तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है, अननोन में कर सकते हो, मतलब कि आपको श्योर नहीं हो कि भाई किस तरह का डेटा टाइप इसमें स्टोर होने वाला है, ठीक है, इसलिए।
तो भाई मेरा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा दोनों में अंतर क्या, अननोन और एनी में, ठीक है। अगर आप किसी भी डेटा टाइप में एनी यूज करते हो, डेटा टाइप उसका सेट करते हो, तो अब अगर उसका उसका कोई प्रॉपर्टीज या उसमें कोई मेथड अगर डालते हो, ठीक है, हिट करते हो, तो भाई उसमें अगर वो एग्जिस्ट नहीं भी करता हो ना, तभी वो एरर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वो कंपाइलर टाइम में चेक नहीं होगा, ठीक है, कंपाइलर उसको चेक नहीं करेगा कि हाँ भाई इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग आप मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल ना, ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जेड में स्टोर कर देता हूँ, जैसे नेम मैं देता हूँ सुब्रतो, ठीक है, ये अननोन है, तो इसका ना मैं टाइप एनी सेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ दोनों बार में। अगर मैं यहाँ पर एनी लिख देता हूँ, और यहाँ पर मान लो कि कुछ मैं भी लिखता हूँ, जैसे जेड डॉट एक्स वाई जेड ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं, ऐसे ये तो एग्जिस्ट नहीं करता ना भाई स्ट्रिंग में, ये मेथड थोड़ी ना अप्लाई होगा, इसको सेव करते तो भाई कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो भाई ये एक इशू हो सकता है, ठीक है, आप ऐसे कर दो, कोई भी डेवलपर कर देगा, तो इसके बजाय यहाँ पर जो है अननोन अगर आप सेट करते हो ना, तो भाई यहाँ पर ये चेक करेगा कंपाइलर कि वो मेथड या फिर वो प्रॉपर्टी उसमें है या नहीं है, तो प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड डज नॉट एक्जिस्ट ऑन टाइप अननोन, ठीक है, तो इसमें नहीं वो एग्जिस्ट करता। अगर आप इसको कुछ और यहाँ पर टू स्ट्रिंग करो या फिर जो रिवर्स विवर्स है वो करो, तो वो चलेगा, ठीक है। जब आप थर्ड पार्टी कोई पैकेज यूज करो, तब आपको भाई मजबूरी है, तब कोई ऑप्शन नहीं है, बस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी देखा था भाई, मुझे भी करना पड़ा था। तो लेकिन फिर भी कम से कम ट्राई करो अननोन ये एनी को यूज करने का, बाकी डेटा टाइप तो मैंने बता दिया आपको। तो भाई मेरा, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वक्त में।